और नोनी को मिल चुकी है परी की सवारी, जो इसको बिठाकर आराम से सुला रहा है। नोनी थक गया बेचारा हमारा ऊपर आते आते, हम ही थक गए यार थोड़े से, लेकिन बोल रहा है मेरे पैर तो नहीं दुखे। पैर नहीं दुखे तेरे? अभी तो आना शुरू करा था और अभी तक तो पैर दुखे। और हम अभी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मतलब यहाँ की थोड़ी हालात बिगड़ चुकी है, देखो आप। और ये है गाइस मस्जिद यहाँ की, देखो यहाँ पे मतलब सब कुछ ईंटों से बना है यार। तो हम जाते हैं, ये रास्ता यार यहाँ का। सो गाइस ये मस्जिद है, ये एंट्रेंस है इसका। देखो भाई प्राचीन पेड़ पीपल का, यहाँ पे कवर। सो यार काफी ऊंचा किला है ये, व्यू देखो भाई। यहाँ पे देखो भाई फोग आ चुका है, एक्चुअली ये फोग नहीं है भाई, ये बादल है यहाँ पर जो नीचे आ चुके हैं। गाइस जो आपको वहाँ पर पानी दिख रहा है ना, जो वहाँ पर, और वहाँ पे एक कुआ है बहुत गहरा कुआ जिसमें रहते हैं सांप, तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। देखो भाई यार हमारा थोड़ा कैमरा नहीं है हमारे पास, फ़ोन से शूट कर रहे हैं तो अच्छा व्यू नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और वहाँ पर जो पानी दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा हमारी। कोई नहीं भाई चल रहा है हमारा, अच्छा चल रहा है। और वहाँ पर गाइस जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर एक कुआ जिसमें सांप रहते हैं, थोड़ा मतलब कुआ वगैरह है। तो भाई यहाँ से खतरनाक है भाई, देखो बिल्कुल नीचे डर लग रहा है यार यहाँ से तो। और ये डोली है यहाँ से। ये हमारा नोनी है। नोनी क्या करने आया तू यहाँ पे? नोनी बता दे क्या करने आया? तो भाई यहाँ पर ना इट्टे है देख सकते हो आप, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये किला बहुत बड़ा था, यहाँ पे ईंट नहीं आ सकती है अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो। अब इस टाइम के साथ जैसे टाइम बीत रहा है वैसे किला मतलब छोटा होते जा रहा है, लेकिन ये जो हांसी पूरी दिख रही है ना आपको लाइट लाइट, देखो भाई यहाँ पर पूरा किला होता था किसी टाइम पृथ्वीराज चौहान का, बट अब ये किला बहुत छोटा हो गया है। बड़ा है ये? हाँ अभी बड़ा है बेटा, लेकिन अभी ये बहुत छोटा हो गया, पहले इससे बड़ा था ये। तो भाई लाइट देख रहे हो ना आप, यहाँ पर किसी टाइम वहाँ तक दूर तक किला होता था, बट अब टाइम के साथ छोटा होता जा रहा है ये। सो गाइस मैंने आपको बोला था जैसा कि हम आपको दिखाएंगे रानी के घोड़े के पैर,
सॉरी गाइस, घोड़े के पैर के निशान वहाँ पर है, यहाँ पे है रानी जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसके पैरों के निशान है। और ये देखो भाई, इतने साल बीत के, ये कुछ थंब वगैरह है, इतने साल बीत जाने के बाद भी भाई आज तक ये बनी हुई है यहीं पर। देखो भाई, मतलब पुराने स्ट्रक्चर है ये, कैसे बनाते थे लोग। तो ये है वो थंब जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के घोड़े के ना पृथ्वीराज चौहान के पैर है। देखो भाई, ये है गाइस पृथ्वीराज चौहान के पैर, देख सकते हो आप, और उसके घोड़े के पैर उस तरफ है, वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई, और गाइस ये स्ट्रक्चर्स देखो यार, मतलब इतने साल बीत जाने के बाद भी ये यहीं पर खड़े हुए है। पृथ्वीराज चौहान के पैर है ये शायद, चप्पल पे लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, हमें इतना पता नहीं है कहाँ पे लिख रखा है, सो गाइस ये है जहाँ पर रानी जी नहाती थी। और देखो भाई, यहाँ से आज भी उतरते हैं। देखो भाई, पूरा अंधेरा हो चुका है यार, देखो अंदर दिख नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा गहरा है भाई, 20-25 फुट का है। और यहाँ पे देखो रानी जी नहाया करती थी भाई, मतलब पहले के जो लोग थे यार, कमाल के थे काफ़ी। तो यार पहले के लोग भाई बहुत ही कमाल के हुआ करते थे। और इसके अंदर पेड़ भी है, और अंधेरा हो चुका है यार, दिख नहीं रहा है। हम आपको कभी सुबह आएंगे कभी, और फिर एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, बट अभी तो नहीं दिख पा रहा है। तो अभी हम चलते हैं घर पर, और फिर कभी दिखाएंगे आपको। सो हे गाइस, हमने आपको किला दिखा दिया पूरा, बस अभी हम जाएंगे घर पर, और काफ़ी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। सो फ्रेंड्स, रात बहुत हो चुकी है, एंड ये है हमारी हांसी की नाइट लाइट। राम चला के ना चला सो रात बहुत हो चुकी है, 10 सीटी हट हमारे सामने है, बट हम नहीं जा रहे हैं, और अभी घर पर पहुंचते हैं। सो जाने से पहले खा लेते हैं गोलगप्पे गाइस। इसका खावा एक पूरा जीतू नाम को आया करता, वो बढ़िया को आया करता। आटे वाले खिला दो भाई, इसको आटे वाले, मेरे को सूजी वाले, पानी मेरे को मीठा, इसको कड़वा। मेरे को मीठा, मेरे को मीठा, सबको मीठा। तो भाई गोलगप्पे खाते हैं, 10-10 रुपए के पास, ज़्यादा खा लेंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा गाइस। खाना भी खाना है घर पर। सही बोला गाइस, इसने इसके पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि इसकी कब्जी हो जाती है, मेरे को कब्जी हो जाती है। बिया कला ना, क्यों मुँह में पानी आ रहा भाई, मुंह में पानी, और इसको हम गोल गोल गप्पे खिलाएंगे क्योंकि पानी तो इसके मुंह में आ चुका है। और भाई की स्पीड देखना, बिल्कुल हमारे किला के सामने है, तो आओ कभी, किले के सामने है। कांच का गट्टा टूट गया था, और अभी मेरी हालत भी ठीक हो चुकी है, चलिए घर पे चलते हैं। दोस्तों, हमें घर आते ही सरप्राइज मिल चुका है, और वहाँ पर एक मेंढक चढ़ा हुआ ऊपर, पता नहीं क्या कर रहा है वो भाई, दिख नहीं रहा है, दे वो दिख रहा है।
सोवरेन ब्रांड्स हम घर पर आ चुके हैं और अभी खाना वगैरह खाएंगे और सो जाएंगे, एडिटिंग करेंगे। कल की हमारी छुट्टी है क्योंकि कल है मंडे और कल पूरा भारत बंद है। और मैंने आपको दिखाया वहाँ पर पता नहीं भाई कूल में एक मेंढक चढ़ा हुआ है, जैसे वो कूल देख सकते हो आप ऊपर, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है वो, शायद आत्महत्या कर रहा है वो मेंढक। और हमने आपको दिखाया किले का व्यू पूरा कि किला कैसा दिखता है पृथ्वीराज चौहान का। और अभी हम एडिटिंग करेंगे और सो जाएंगे। आज का व्लॉग हम एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।